सही है सही है सही है सही है आगे। ओ घुटनों पे बैठ रखो भाई, यही है कश्मीर, इसी को बोलते हैं जन्नत। क्या हाल है, क्या हाल है, बहुत ही बढ़िया। गुलमर्ग में आके मान लिया जी कश्मीर में आ गए हम। आज का हमारा प्लान है गुलमर्ग जाने का। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि आज पूरा का पूरा दिन हम गुलमर्ग में लगाएंगे। मतलब मॉर्निंग में निकले हैं अपने रूम से, होटल से, और इवनिंग तक हम गुलमर्ग में रहेंगे। सबको पता है कि गुलमर्ग बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर कश्मीर आते हैं तो गुलमर्ग ना जाएं तो फिर हमारा ये सफर अधूरा रहेगा। इस वजह से हम आए हैं और गुलमर्ग को आज एक्सप्लोर करेंगे, और जो जो खासियत है वहाँ की, जो जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया बढ़िया शूट है, सब कुछ मैं शूट करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो अभी हम रास्ते पे खाना खाने के लिए रुके हैं, और यहाँ पे हम रुके हैं, अभी हाईवे ढाबा है और ये यहाँ पे वेज फूड है। और इनकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई, रात की फीवर हो गया, इनको मेडिसिन खिला रहे हैं बार बार, इनको ठीक हो जाओगे तो चलो एंजॉय कर लोगे, अगर नहीं तो फिर हम तो करेंगे। आज आवाज में थोड़ी सी मेरे प्रॉब्लम रहेगी, गर्मी हो गई है जनाब को। अभी देखते हैं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या करते हैं, फिर ये लेकर जा रहे हैं हमको वैसे, तो जाकर आपको सारा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे हम रुके थे और ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, लंच कह सकते हैं, क्योंकि बीच का टाइम हो चुका, 12:30 हो चुके हैं। गुलमर्ग पहुंच के हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, वहां पे हम स्नो पे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। गाइस, श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता बहुत ही स्मूथ और इजी है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी स्नो है, और वहाँ पे हम जब पहुँचेंगे तो बहुत सारा इंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या एक्टिविटी होती है वहाँ पे और क्या क्या हम करते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं गुलमर्ग। आ गया, ठीक है, खुला रहना चाहिए टैग, खुला रहना चाहिए, ऊपर दिक्कत है, लूज है, लूज है। और ये शूज देख रहे हैं कौन से ले कौन से ना ले, पीछे से हमें सस्ते मिल रहे थे, अभी इधर से क्या करना, भी लेने तो पड़ने ही तो लेने हैं, महंगे मिले सस्ते मिले जो भी है। और अभी शूज हमने चेंज किए हैं अपने अपने। वो क्या है, ये मंदिर है शिवजी का, शिवजी का मंदिर है, साइड सीन है वैसे, आगे ये साइड सीन जाना पड़ता है जो जाना। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा भी लग रहा है आके, पर थोड़ी ठंडी ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे कि हम पत्नीटॉप गए थे ना, तो वहाँ पे जो आइस पड़ी थी वहाँ पे तो थोड़ा ठीक था, और यहाँ पे थोड़ी जो सर्दी है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से बाकी क्राउड यहाँ पे ज़्यादा है ना, वहाँ से ज़्यादा सही, काफ़ी खुली डूबी ग्राउंड है बहुत ज़्यादा। तो जो केबल कार जो है, हमने रात को ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए थी, पर वो ऑफ हो गई, टिकटें सारी बुकिंग हो गई थी उसकी, तो अगर हमने यहाँ पे पता किया था जब, तो यहाँ भी बंद बता रहे हैं कि वो ऑनलाइन ही होगी बुकिंग उसकी केबल कार की। माइंड करो, आप कहाँ छोड़ेगा फिर, बी ब्रेव, हमारा इसमें पैसा था, ठीक है, आराम से करना है, चोर नहीं लगानी। मुझे थोड़ी बहुत स्केटिंग आती है, लेकिन बस दूसरी आती है, अभी ट्राई करूंगा मैं। मुझे तो स्केटिंग का एस भी नहीं आता, ठीक है, मैं कैसे करूंगी। गाइस बुलबुल पहले ट्राई करेगी स्नो स्केटिंग, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूंगा। रेडी हो गया सर, वेट आगे रखो, बस इधर इधर करो टर्न। हाँ सही है सही है सही है सही है, आगे। ओ घुटनों पे वेट रखो, ओ यार घुटनों पे वेट रखना ना, और बस हट लगा लेनी है तू, चोट लगी है भैया, छोड़ दो इनको, निकाल दो, अच्छा है तो नहीं कुछ भी इसमें, है तो नहीं कुछ भी भैया, मुझे पहले उनकी शूट करनी है, फिर जमा करेगा। जस्सी जी हो गए तैयार स्केटिंग के लिए,
डर लग रहा है? नहीं, आप तो करते ही, आपको तो पता ही है। पहले बचपन, अभी तक भी पड़े हुए हैं आपके दूसरे वाले जो आइस वाली नहीं की, पर दूसरे तो करते रहते थे ना, वो वाले तो करते थे ना। देखना सीट पर बिल्कुल नहीं देखना, आगे देखना, लुक फॉरवर्ड, नीज बेंड, वेट आगे, ओके, डरने के, ठीक है ना। सीट बिल्कुल यूज नहीं करना, जब मैं बोलूंगा यूज करो तब यूज करना, ठीक है? ओके सर, ओके, नीज बेंड, वेट आगे, लुक फॉरवर्ड, ओके 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 ओके। ये कहाँ तक जाऊंगा मैं? वहाँ नीचे तक। वो चलेंगे बहुत दूर जैसी ही स्केटिंग करते करते। वाह, इन चीजों का भी अलग ही मजा है। अभी तो वो सिर्फ ट्रेनिंग वालों के साथ सीख ही रहे हैं, तो खुद से करेंगे थोड़ी देर बाद, तीन राउंड लगा के। सही है यार, सही है, सही। आराम से करो, सिटिक मत करो, लगेगा लगेगा भैया, सिटिक यूज मत करो, रुकान, बस रुको 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 भैया, बस सुन सुन, ब्रेक नहीं है इसमें, ब्रेक इसका नहीं होता है। अगेन पर पाओ, अगेन अगेन अगेन, बस बस बस। फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम था ये। वेरी गुड वेरी गुड, पहले बार आप भी बहुत अच्छा सर। अगर आपको सीखने का जैसे आप बोल रहे थे वैसे नहीं, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे दीदी। अगर आप यहाँ पे लोग जो 7-8-10 दिन के, 10 दिन लगते हैं, आपके एक ही दिन में किया 10 दिन? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ना थोड़ी बहुत स्केटिंग ना आती है, वो दूसरी वाली स्केटिंग होती है ना, वो मैं बचपन में करता था, इसीलिए आपने नंबर पहले भी किया था ना, आपने मगर बहुत अच्छा किया ये वाली, ये आइस वाली पहली बार किया मैंने। 10 दिन लगता है, 10 दिन का कमाल आपने एक ही दिन में, एक दिन में क्या, एक घंटे में। थैंक यू थैंक यू, अच्छा किया, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। गुलमर्ग कैसा लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। तो गाइस चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी को हम ट्राई करते हैं। ये एक्टिविटी थोड़ी सी डेंजरस रहने वाली है भैया। कौन सी राइड करवाते हो आप? स्लेज राइड सर। स्लेज राइड, ओके। ये कैसे करवाते हैं, कैसे बैठते हैं इस पे? तो गाड़ी पे बैठना पड़ता है सर। अच्छा, एक ड्राइवर भी आपके साथ रहेगा। हाँ, पूरी सेफ। तो इसकी ब्रेक कैसे लगेगी? ब्रेक ड्राइवर लगाता है सर खुद। तो हम आगे ही चले जाएंगे वो पानी में, तो फिर उधर नहीं जाने देंगे सर बिल्कुल। अच्छा, गिर गए तो चोट लगी, फिर गिरने की गारंटी है, गारंटी गिरने देंगे आपको। चलो, तो क्या कॉस्ट है इसकी? तो यहाँ तक एक राउंड का, अगर ऐसे में आप राउंड करोगे हम 100 रुपीज ले लेंगे आपके। भाई जी हाँ, मैं सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है। तो ये जो अब है पहाड़, यहाँ से मैं करूँगा अब ये वाली राइड। रिस्क भी है, चोट भी लग सकती है, लेकिन करनी है। वो सामने आपको पेड़ों के बीच में एक टावर दिख रहे होंगे, वहां पे हो रही है गंडोला राइड। यहाँ से मैं ऊंचाई से आपको गुलमर्ग का व्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ से हम ये राइड करेंगे। और कोई भी राइड यहाँ पे लेनी हो ना, तो उसके लिए खास ये चीज़ बता दें, यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, ये रेट को बहुत यहाँ चढ़ा के बताते हैं, लेकिन बाद में बार्गेनिंग करो, मना करो एक दो बार, हाँ रेट कम कर देते हैं। कोई भी हो, कोई सी भी राइड हो, गंडोला को छोड़ के ये प्राइस कम कर देते हैं। और अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, हाँ थक गए हैं थोड़ा सा, मतलब हुआ है ऊपर चढ़ते हुए, थोड़ी सी सांस चढ़ गई है। एक्चुअली मेरी तबीयत मैंने पहले भी बताया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ, गर्मी होगी मुझे, गर्म गर्म चीज़ें खा ली, काजू बादाम का हवा पी लिया, इस वजह से हो गया। और वैसे देखिए एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वाकई में गाइस बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। गुलमर्ग में आके मान लिया भी कश्मीर में आ गए हम।
यही है कश्मीर, इसी को बोलते हैं जन्नत। क्यों बोलते हैं? अब आएंगे पीछे पीछे से चलेंगे, चले जाएंगे तो फिर उसका कुछ नहीं है, लेकिन आपको आके पैर चलाने पड़ेंगे, कुछ टाइम देखना पड़ेगा आगे जाके, फिर जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सीन्स, बहुत बहुत अच्छी अच्छी साइट्स मिलेंगे। ओके तो गाइज अपनी राइड शुरू करते हैं हम। भैया अपना नाम बताइए। आसिफ, मेरा नाम है। हम आसिफ जी, अच्छी से राइड करवाना जी। हाँ बहुत बढ़िया। चोट नहीं लगनी चाहिए कहीं पे? कोई नहीं कोई नहीं, गिरना नहीं चाहिए हमें। ठीक है तो हम जा रहे हैं स्लेज की राइड करने। तो एक हाथ मैं पकड़ लूँ ना पीछे से, एक हाथ कहाँ से पकड़ू, या पीछे से पकड़ लेता हूँ मैं, कहीं से भी पकड़ ले, ऐसे ही कम्फर्टेबल रहे। हाँ चलो सर हम जा रहे हैं, आराम से चलाना। कोई नहीं, अरे हाइट है ना यहाँ से गिरते नीचे, जो है थोड़ा सा खड्डा सा बड़ा, वहां से ज्यादा से चले, चोट नहीं लगी लेकिन बहुत अच्छी है राइड, ध्यान से जाना। क्या बात है, थैंक यू यार भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वॉल्यूम ऊपर नहीं करनी, थोड़ी वॉल्यूम है नहीं, वैसे वॉल्यूम वॉल्यूम हो गई। बनी अच्छे अच्छे कि निकाल बनी है। हाँ जी क्या हुआ? मुझे नींद आ रही थी, गुलमर्ग से निकले हैं ना, नींद आ रही थी इस वजह से अभी रोकी है बाइक चाय पीने के लिए। एक बिज रेस्टोरेंट करके है कुछ,